बहुत बुरा लगेगा, इतने अच्छे वेदर में। जी नमस्ते, मेरा नाम है क्षितिज। लगभग 3 महीने के बाद आज फाइनली आ रहा है एक व्लॉग, और आज हम लोग जा रहे हैं धमतरी। धमतरी में कहां शायद आपने अभी तक गैस कर ही लिया होगा। तो धमतरी में हम जा रहे हैं 14 गेट वाला डैम देखने, और उसके साथ ही मिनी गोवा के नाम से फेमस बीच को देखने, और हम करने वाले हैं आज बोटिंग और उस जगह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जैसे ही आप कंगरेल डैम के पार्क में एंटर करेंगे, आपको गौतम बुद्ध की प्रतिमा दिखेगी। उसके थोड़े आगे चलने पे आपको दिख जाएगा ये कार पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। फिर आएगा टिकट काउंटर, यहाँ पर अगर आपको पार्क घूमने का मन है तो यहाँ से टिकट कटवा के आप पार्क घूम सकते हैं। और अगर आप 14 गेट वाला डैम देखना चाहते हैं तो आपको इस पार्क से ही होके जाना पड़ेगा। एक और रास्ता जाता है पीछे की ओर से, लेकिन धमतरी के लोकल निवासी लोग उस जगह को अच्छे से जानते पहचानते होंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर से कंगरेल डैम देखने आ रहे हैं तो आप ये 20 रुपये का टिकट कटा के यहाँ से एंटर हो सकते हैं। पर्सनली मुझे पार्क्स पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि आज मुझे 14 गेट वाला डैम देखना है धमतरी का, तो इसलिए मैं आज यहाँ अंदर जा रहा हूँ। बाकी मुझे तो पार्क्स बोरिंग लगते हैं, अगर आपको पार्क्स अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पे आके बैठ के खेल कूद सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे खाना पीना भी खा सकते हैं, जिसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन डैम के लिए एक शॉर्टकट भी बनाया जा सकता था, जो लोग सीधे डैम देखना चाहते हैं उनके लिए एक अलग रास्ता, और जो लोग सिर्फ पार्क में घूमना चाहते हैं उनके लिए एक अलग रास्ता होना चाहिए था। तो पार्क से निकलने के बाद बीच जाने के लिए आपको इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बेहतर तो यही होगा कि आप अपना खाना अपने साथ लेकर आएं। बाहर के जगह से खाने पीने और टेस्ट या फिर क्वालिटी फूड की उम्मीद ज़्यादा ना रखें। खाने पीने के ऑप्शंस तो यहाँ है, लेकिन मुझे फूड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। तो थोड़ी देर चलने के बाद रिजॉर्ट के जस्ट सामने आपको फूड जोन या फूड पार्क दिख जाएगा, उसके साथ ही साथ आपको जूस कॉर्नर्स भी दिख जाएंगे। तो फूड कॉर्नर के पास में ही अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग के लिए टिकट्स भी आपको यहीं से करवाना होगा। तो अगर आप धमतरी आकर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर बोटिंग करना चाहते हैं तो उसका चार्ज 150 रुपये पर हेड से लेके लगभग 5000 रुपये पर हेड तक भी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एक्टिविटी को करना चाहते हैं। फिर आपको दिखेगा ये रेतीली जगह जिसको हम लोग कह रहे हैं धमतरी का मिनी गोवा या फिर छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गोवा एक्चुअल में घूमे हैं या किसी भी बीच पे घूमे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं नीचे कमेंट्स पे कि छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा या फिर धमतरी का गंगरेल डैम आपको कैसा लगा। आप अगर मॉनसून के सीज़न में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 2-4 गेट खुले हुए मिले। फ़िलहाल अभी ताज़ा खबर ये है कि पूरे 14 के 14 गेट खोले गए हैं, तो अगर आप लकी हैं तो पूरे 14 के 14 खुले गेट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस डैम के बीचों बीच एक फ्लोटिंग होटल भी है, जहाँ पे पर पर्सन आप कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये पे करके
फ्लोटिंग होटल में डैम के बीचों बीच अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अपनी मील इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपका मन इस रिजॉर्ट पे रुकने का कर रहा है तो इसके लिए आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी या फिर एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। ये रिजॉर्ट आपको ऑन स्पॉट आई गेस वीकडेज पे ही अवेलेबल होंगे। वीकेंड्स पे इस रिजॉर्ट को आप ऑन स्पॉट शायद ही बुक कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा, या तो आप ऑनलाइन बुक करके आएँ या फिर इंटरनेट पर दिए गए नंबर से कॉल करके भी आप रिजॉर्ट्स को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।